हेलो गाइस, तो यार क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस देख सकते हो, अभी मैंने थोड़ी शॉर्ट वीडियो दिखाई थी। तो गाइस मैं कहीं शूट पर जा रहा था एक काम से। देखो बाइक वगैरह भी है मेरे पास। ओके गाइस, मैं जा रहा था शूट पर और देखो यार रास्ते में मतलब ये कितना पानी भरा हुआ है यहाँ यार। मतलब RTO यार, ये सब लोग टैक्स तो भर लेते हैं, चालान भी काट देते हैं यार, उस पैसे को कहाँ लगा रहे हो यार। ये मतलब निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है गाइस। मैं बैक कैमरे से आपको पूरा दिखा रहा हूँ एक बारी। पा रहे हो गाइस, मतलब यहाँ इतनी समस्या हो रही है निकलने में भाई कि बस पूछो मत। ये अलीगढ़ ज़िला है और PSC की साइड अगर हम आते हैं तो एक पेट्रोल टंकी पड़ती है वहाँ पर। ये देख सकते हो मतलब वाहनों को निकलने में कितनी दिक्कत हो रही है यार। बारिश दो दिन से नहीं हुई है, दो दिन के अंदर भी यहाँ से पानी साफ़ नहीं किया गया, देख सकते हो आप जैसा कि। और देखो यहाँ बस वगैरह काफ़ी अटकी हुई हैं। देखो वो स्कूटी लेके गिर गया यार। मतलब लोगों को कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं यार। और पुलिस वालों को देखो, वो टैक्स काटने पर लगे रहते हैं RTO वगैरह। और यार इन लोगों को सोचना चाहिए, जब इनकम हो रही है तो इधर लगाना चाहिए ना। नगर निगम वाले हैं वो भी नहीं कोई आ रखा है यहाँ पर। तो गाइस यार हम लोगों को परेशानी होती है ना, चालान तो ये काट देते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ अभी दो तीन स्कूटी वगैरह भी पानी में गिर चुकी हैं। ओके गाइस, तो गाइस देख सकते हो यार पानी कितना भरा हुआ है, समझ रहे हो। नहीं यार ये लोग टैक्स वगैरह काट देते हैं RTO वगैरह, और यार ये पैसा कहाँ जा रहा है ना। नगर निगम वाले कोई आए हैं, पानी भरा हुआ है दो दिन से। मैं दो दिन पहले भी आया था, इधर होके जा रहा था, कुछ काम था, तब मैं अकेला था, मेरे पास कुछ सामान वगैरह नहीं था। आज मैं सूट पर जा रहा था कहीं, तो गाइस मैं यहाँ पर रुका। और भीड़ भी देखो बहुत ज़्यादा लगी हुई है यार, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को निकलने में यहाँ पर। यार कुछ तो यार सोचना चाहिए यार, दो दिन से। ये अलीगढ़ ज़िला है और यहाँ पर PSC की साइड अगर हम आते हैं क्वारसी चौराहे से, तो एक पेट्रोल टंकी पड़ती है राइट हैंड पर, वहाँ पर ये पानी भरा हुआ है। करीब 60 से 70 मीटर की दूरी पर ये पानी भरा हुआ है। गड्ढे भी हैं, स्कूटी वगैरह भी फंस जाती हैं। तो यार कुछ तो यार समझना चाहिए इस चीज़ के लिए। नगर निगम वाले भी यार पानी को साफ़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो गाइस यार आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना, कमेंट करके बताना। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।